इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, और यह वीडियो नंबर सेकंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं जहां पर लिंक दिया हुआ है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम हिस्ट्री को, जो हमारा इतिहास है, उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, या फिर उसमें जो हम तारीखें पढ़ते हैं, डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है हिस्ट्री में, जिसको कि हमें पढ़ना चाहिए या फिर इंटरेस्ट लेना चाहिए। और उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि इतिहास को हम किस तरीके से कैटेगरी में बांटते हैं, किस तरीके से अलग अलग कालखंड में बांटते हैं, और ऐसा हम क्यों करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के बाद भी कुछ और चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है एक व्यक्ति के बारे में, जो कि हैं जेम्स मिल। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, यानी कि स्कॉटिश थे, और इसके साथ ही वो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, जिन्होंने 1817 में एक 3 वॉल्यूम की किताब निकाली थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो किताब थी, इसमें जो पूरा हिस्ट्री था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। तो ये मेनली इस बात पर डिवाइडेड था कि जिस समय इंडिया के रूलर हिंदूज थे और जिस समय इंडिया के रूलर मुस्लिम बने, और तीसरा कालखंड था, तीसरा समय कैटेगरी था, वो था जिस समय इंडिया के रूलर ब्रिटिश थे। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री में। तो देखिए, ये जो उस समय पीरियडाइजेशन किया गया था, उस समय जो किताब आई थी उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके के कैटेगराइजेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर इसके अलावा कुछ बेटर तरीका हम निकाल सकते हैं जिससे कि इतिहास में हम कालखंड को बांटें। तो इसका जवाब हम आगे देंगे इस पैराग्राफ के बाद, आगे के पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिलेगा, तब तक आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है सबसे पहले कि आखिर हमें इस तरीके से हमें पीरियड्स में बांटने की ज़रूरत क्यों है हिस्ट्री को, कि हम सिंपली अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एक लाइन में अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उससे प्रॉब्लम क्या है, और उसको हम कैटेगरी में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं कि ये कैटेगरी अलग है हिस्ट्री का, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा हम आखिर क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, हम एक तरीके से जो एक पैटर्न वाले इतिहास के हिस्से हैं उनको एक जगह रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एंशियंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। तो इसमें एक चीज़ के आधार पर इस हिस्ट्री को बांटा गया है कि देखिए, एंशियंट वो समय है जिसमें कि आपका जो इतिहास है वो लगभग एक जैसा था, और मेडिवल के पूरे हिस्ट्री को देखेंगे तो इसमें आपका जो इतिहास है वो एक जैसा मिलेगा, और मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें जो इतिहास है वो एक जैसा मिलेगा। यानी जो फीचर्स हैं हिस्ट्री के वो अलग अलग समय में अलग अलग हैं, और कैटेगराइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम एक पूरे इतिहास में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं अलग अलग समय में। यानी एंशियंट में हम कुछ चीज़ें खाते थे या फिर किसी स्पेसिफिक तरीके से रहते थे, और फिर मेडिवल में आने के बाद वो चीज़ हमारा चेंज हो गया और कुछ नई चीज़ें हम करने लगे, कुछ नए चीज़ खाने लगे, कुछ नए कपड़े पहनने लगे, नए तरीके से रहने लगे। उसके बाद मॉडर्न में आने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन का यूज करते हैं ताकि हम ये साफ साफ देख सकें कि हम इतिहास में किस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है, या फिर हमने कुछ चीजें सीखी है, या फिर कुछ चीजें हमने चेंज किया है। लेकिन इसके आगे यहां पर बात की गई है कि जो ये हिस्ट्री के किताब लिखने वाले व्यक्ति थे मिल, इनका मानना यह था कि जितने भी एशियन सोसाइटीज़ थे वो एक तरीके से लोअर लेवल पर थे सिविलाइजेशन के। सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता। यानी कि उनका मानना यह था कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो यूरोप के लोग हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जीवन जी रहे हैं, और उनका जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है इंडिया के मुकाबले या फिर एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले। और उनका मानना यह था कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया में रूलर
रूलर्स थे, चाहे वो हिंदू रूलर्स हो या फिर मुस्लिम रूलर्स हो, वो एक तरीके से डेस्पोट रूलर थे, तानाशाह जैसे रूलर थे। और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, या फिर आपको जादू टोना इस तरीके की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे या फिर रुचि लिया करते थे। और उनका मानना ये था, यानी जो राइटर थे जेम्स मिल, उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अगर इंडिया में रूल करते हैं तो वो इंडिया को सिविलाइज करेंगे, इंडिया को सही चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे जीना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए उनका मानना ये था कि जो यूरोपियन मैनर्स हैं उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना, इसके अलावा यूरोपियन आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस और लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लाइफ को, यानी इंडियंस के लाइफ को बेहतर बना सके, सुधार सके। और इसलिए उनका ये भी सजेशन था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे इंडिया को कैप्चर करें और पूरे इंडिया पर रूल करें, ताकि जो लाइफ इंडिया के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस हो, या फिर उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर हो, पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि ये जब उन्होंने किताब लिखी थी तब पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, इसलिए उनका यहाँ पर लिखा गया कि उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पर कब्जा करें, इन पूरे इंडिया पर रूल करें। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, ये एक चीज़ समझाया गया है कि देखिए ऊपर हमने जो आइडिया देखा, यानी जेम्स मिल का जो थॉट हमने देखा कि वो क्या सोचते थे या फिर उनका क्या मानना था, तो इस तरीके के जो आइडियाज़ स्प्रेड किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स द्वारा, उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश रूल था वो एक तरीके से प्रोग्रेस को दिखाता है और अच्छा सिविलाइजेशन को दिखाता है। और ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले जो इंडिया का इतिहास था वो काफ़ी डार्कनेस था, काफ़ी बुरा था, काफ़ी ख़राब था, और वहाँ पर इंडिया में किसी भी तरीके का प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके से वो बेहतर नहीं बन रहे थे, यानी वो काफ़ी ख़राब जीवन जी रहे थे। तो क्या इस तरीके का कंसेप्शन आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या ये जो बातें ऊपर कही गई है एक राइटर के बारे में कि उनका थॉट ये था कि जो ब्रिटिशर्स है वो ज़्यादा बेहतर हैं, जो इंडियंस हैं उनको जीने नहीं आता, इस तरीके की चीज़ें, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब आगे आपसे पूछा जा रहा है, ऊपर हमने जो एक क्वेश्चन देखा था उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर एक सिंपल सवाल पूछा गया है कि क्या हम आज अपने हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री या फिर मुस्लिम हिस्ट्री के हिसाब से बांट सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा रूलर है सिर्फ उसके धर्म के आधार पर पूरी हिस्ट्री को हम एक तरीके से कैटेगराइज करें कि जो रूलर है वो किस धर्म से बिलोंग करता है, उस आधार पर हमारे देश का इतिहास होगा? तो इसके अलावा एक चीज़ हमें और सोचनी चाहिए कि ये जब पीरियड बात की जाए, जैसे हिंदू पीरियड की बात की जा रही है, तो उस समय में भी बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया में मौजूद थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, बहुत कम संख्या में या बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम भी थे, या फिर मुस्लिम कैटेगरी मुस्लिम हिस्ट्री की बात की जा रही है तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में हिंदूज़ इंडिया में रह रहे थे, सिख इंडिया में रह रहे थे, और भी बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो क्या रूलर के आधार पर पूरी हिस्ट्री को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री जो है ये मुस्लिम हिस्ट्री है, या फिर ये जो हिस्ट्री है ये हिंदू हिस्ट्री है? और अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम सिंपली ये कहेंगे या फिर हम कंप्लीटली ये बात मान लेंगे कि जो नॉर्मल व्यक्ति है या फिर जो दूसरे लोग हैं जिनकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, वो उनका लाइफ जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, वो अगर मरे जिए, उनके इतिहास में क्या हुआ, उनका लाइफ कैसा था, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो कैटेगराइजेशन है ये एक तरीके से सही नहीं है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आगे बात ये भी की गई है कि जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था उससे मूव करने के लिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक नया कैटेगराइजेशन किया, वो था आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। लेकिन ये जो डिवीज़न था ये भी एक तरीके से इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे कि देखिए जो पीरियडाइजेशन था, ये जो पूरा सिस्टम था हिस्ट्री लिखने का, इसको एक्सेप्ट किया गया था वेस्ट से, यानी जो आपका यूरोप है उस तरफ से आया था ये हिस्ट्री लिखने का तरीका कि इस तरीके से हमको बांटना चाहिए इतिहास को। तो इसका रीजन ये था कि ये जो तरीका था हिस्ट्री लिखने का, इसमें जो मॉडर्न पीरियड था, मॉडर्न पीरियड पर मेन यहां पर प्रॉब्लम है कि देखिए मॉडर्न पीरियड था वो मेनली आपका रिलेटेड था मॉडर्निटी से, यानी कि साइंस में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, रीजन में प्रोग्रेस हो रहा है, डेमोक्रेसी आ रही है, लिबर्टी आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स अगर आ रहे हैं
तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो मॉडर्न पीरियड में आ चुका है। लेकिन जब हम मॉडर्न की बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स के आने के साथ ही मॉडर्न पीरियड शुरू होता है, तो क्या ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे उस समय हमारे पास इक्वालिटी प्राप्त थी? नहीं थी। फ्रीडम था? नहीं था। लिबर्टी था? नहीं था। प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो साइंस में प्रोग्रेस या फिर रीजन में प्रोग्रेस की बात करें तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं था, और हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो क्या इस कंडीशन में हम अपने पीरियड को, जिसको कि आज हम मॉडर्न पीरियड के रूप में पढ़ते हैं, उसको मॉडर्न पीरियड मानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था उस दौरान हमारा जो समय था वो मॉडर्न पीरियड के रूप में था? तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो इस पीरियड को, यानी जो ब्रिटिशर्स के रूल का जो पीरियड है जिसको कि मॉडर्न में भी हम इंक्लूड करते हैं, उसको कॉलोनियल कहते हैं कि ये जो पीरियड था ये कॉलोनियल रूल था। अब ये कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल का सिंपली मतलब ये होता है कि देखिए, कोई दूसरा देश वो आपके देश पर रूल कर रहा है और आपकी जितने भी कल्चर है उसको दबा रहा है और अपनी कल्चर को आपके ऊपर थोप रहा है, आपके ऊपर लागू कर रहा है। ये एक तरीके से कॉलोनियल रूल हुआ, और इसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इस किताब में मेनली हमको पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स के बारे में, कि जो ब्रिटिशर जो थे वो आए इंडिया में, इंडिया को कॉन्करर किया और इसके साथ ही अपने रूल को इस्टेब्लिश किया, और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ का जो लोकल नवाब थे और जो राजा थे उनको दबाया और उनको अपने अंडर कर लिया और इस कंट्री पर रूल करने लगे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वो उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमी, सोसाइटी, कलेक्शन रिवेन्यू, इन सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल स्थापित किया, और इसके साथ ही वो इंडिया से ही पैसे की उगाही करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि अपने खर्चे पूरे कर सके, और यहाँ से सामानों को खरीदते थे जितने भी प्राइसेस पर वो चाहें, और जितने भी क्रॉप से उनको प्रोड्यूस करवाते थे जो कि एक्सपोर्ट के लिए नीडेड थे, यानी दूसरे देशों में जिनको भेजना था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो इंडिया में आपको ब्रिटिशर्स की मर्जी से चलता था। इंडिया के लोग जो थे वो अपनी आज़ादी से कुछ नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे जो ब्रिटिश रूल था वो उसने किस तरीके से चेंज लाया, जो वैल्यूज थे और जो टेस्ट थे या फिर जो प्रैक्टिसेस थे कस्टम से इंडिया में, उसमें किस तरीके से चेंज लाया। और इसके अलावा ये जो सबजुगेशन है, यानी जिस तरीके से इंडिया के कल्चर को दबाया जा रहा था या फिर इंडियंस को दबाया जा रहा था और ब्रिटिशर्स की मर्जी को थोपा जा रहा था, ब्रिटिशर्स की कल्चर को थोपा जा रहा था और वहाँ के कस्टम्स को थोपा जा रहा था, तो इस तरीके का जब हम इवेंट करते हैं या फिर इस तरीके का काम किया जाता है किसी भी कंट्री द्वारा दूसरे देश के ऊपर, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सोशल, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड अगर हम करके बात करें, तो इसी प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कॉलोनाइजेशन का, कॉलोनियल का। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली ये होता है कि कोई दूसरा देश आपके ऊपर आकर रूल करने लगे और आपके सारे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर जो चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं या फिर जितनी भी स्थिति है, उसको वो अपने मन मुताबिक चेंज करे और अपने आप को आपके ऊपर थोपे, तो यही हो गया आपका कॉलोनाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ ये बताया गया है कि ये जो हम हिस्ट्री यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों को दबाया जा रहा था, लोगों की जो स्थिति थी उस वो अच्छी नहीं थी, उनके पास आज़ादी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर हम इतिहास में देखते हैं तो सोसाइटी में जितने भी क्लासेस थे इंडिया में, उन सभी का इतिहास एक जैसा नहीं रहा है, और जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसके प्रति सभी लोगों की राय अलग अलग रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा, हम सभी का इतिहास जो है वो सेम है, और इसीलिए हम किताब का नाम, यहाँ पर किताब का नाम है आवर पास्ट, यानी कि सभी लोगों का इतिहास अलग अलग है और सभी लोगों के इतिहास को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है हाउ डू वी नो, यानी हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं कि कब क्या हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग फॉर द अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि पिछले 250 सालों के इतिहास के बारे में लिखने के लिए जो हिस्टोरियंस थे वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, किन सोर्सेस को यूज़ करके वो हिस्ट्री को लिखते थे। तो यहाँ पर सब उसी का आंसर है और हमारा टॉपिक भी है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी जो ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद थे, वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करता था, और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड का, वो है ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना ये था कि जो राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और इसके वजह से जो इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, जितने भी प्लान बनते थे, पॉलिसी होते थे, डिसीजंस होते थे, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशन होते थे, सभी का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता था और उसको अच्छी तरीके से लिखा जाता था, सब अच्छी तरीके से उसको रखा जाता था। और एक बार जब ये काम हो कर लिया जाता था तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाता था और उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होते थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसकी वजह से आपको एक कल्चर जनरेट हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें कि आपको बहुत बड़ी संख्या में मेमोज मौजूद थे, नोटिंग मौजूद थे, रिपोर्ट्स मौजूद थे, सभी चीज़ें, सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये भी मानना था कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जितने भी लेटर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो लोग हैं वो इन चीज़ों को देख सके और समझ सके कि क्या हुआ था किस समय में। और इस इन चीज़ों के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स तैयार किए एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो आपका विलेज तहसीलदार ऑफिस हो या फिर कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर ऑफिस हो, सेक्रेटरीट हो गया, लॉ कोर्ट हो गया, सभी जगहों पर रिकॉर्ड रूम्स मौजूद थे। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी मौजूद, मेरा मतलब बनाए गए थे, जैसा आर्काइव हो गया या फिर म्यूजियम्स हो गया, ताकि जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स उनको अच्छी तरीके से संभाल कर रखा जा सके। और इसके अलावा जो लेटर्स और मेमोज थे जो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मूव किया करते थे, शुरुआती समय के जो 19th सेंचुरी का शुरुआती समय का जो मूवमेंट होता था डॉक्यूमेंट्स का, उसको आज भी आप देख सकते हैं आर्काइव्स में कि किस समय किस अफसर ने कहां पर कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा था। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड कीपिंग था ब्रिटिशर्स का वो काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा आप जो नोट्स और रिपोर्ट्स थे वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का रिकॉर्ड हो या फिर किसी भी कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड हो या फिर किसी भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का रिकॉर्ड हो, तो इन सभी रिकॉर्ड्स को आप आज भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में इन डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी केयरफुली कॉपी किया जाता था और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा जाता था कैलीग्राफिस्ट द्वारा, जो कि कैलीग्राफी करना जानते थे, जो कि अच्छी तरीके से राइटिंग करना जानते थे। और 19th सेंचुरी के मिडिल के आते आते तक जो प्रिंटिंग था वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, और प्रिंटिंग के जरिए फिर इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाने लगा और एक बार में कई मल्टीपल कॉपीज़ भी बनाई जाती थी। इसके बाद एक और चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है वो है सर्वेस की। जो सर्वेस थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके थे ब्रिटिश रूल में, और जो सर्वेइंग का प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि किसी भी देश पर रूल करने से पहले हमें उस देश के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि किस देश में कहाँ पर क्या है इस तरीके की। और जो अर्ली 19th सेंचुरी था उस समय में काफ़ी बड़ी संख्या में डिटेल सर्वे कैरी आउट किए गए थे पूरे देश में, और हर एक विलेजेस में आपको रेवेन्यू सर्वेस कराए गए थे या फिर इसके अलावा बहुत तरीके के सर्वेस कराए गए थे। और उनका मेन मकसद ये था कि वो पूरे देश के टोपोग्राफी को जानना चाहते थे, सोइल क्वालिटी को जानना चाहते थे, फ्लोरा फौना या फिर लोकल हिस्ट्री, इन सभी चीज़ों को जानना चाहते थे, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न को जानना चाहते थे। इसके अलावा वो सभी चीज़ें जानना चाहते थे जो कि एक किसी भी देश पर रूल करने के लिए ज़रूरी होता है। और 19th सेंचुरी के एंड आते आते तक जो सेंसस था वो हर एक 10 साल में होने लगा। सेंसस यानी कि लोगों की जनसंख्या गिनने का काम किया जाने लगा हर एक 10 साल में। और ये जो पूरा प्रोसेस था सर्वे का, इसके वजह से बहुत बड़ी संख्या में रिकॉर्ड्स का जनरेशन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में रिकॉर्ड्स जनरेट हुए इंडिया में आपको ब्रिटिशर्स के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा और भी तरह के सर्वे किए गए थे, जैसे कि आपका बॉटनिकल सर्वे हो गया, जूलॉजिकल सर्वे हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हो गया, या फिर फॉरेस्ट सर्वे हो गया। तो इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में सर्वेस किए गए थे और इन सर्वेस को यूज़ किया गया था इंडिया पर रूल करने के लिए, इंडिया पर जानने के लिए। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो देखिए, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें यह तो पता चलता है कि क्या चीज़ें ब्रिटिशर्स चाहते थे या फिर ब्रिटिशर्स को किन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए थी या फिर किन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे, या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि इंडिया का उस समय टोपोग्राफी कैसा था, इंडिया में जो सॉइल था वो कैसा था, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं। तो देखिए, हमें ये नहीं पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो जानते थे सभी चीज़ें, लेकिन जो एक कॉमन मैन है वो क्या जानता था, वो क्या चाहता था, वो किस तरीके से
रहता था, उसकी जीवनी क्या थी, कोई अगर माइन में काम कर रहा है तो उसकी कैसी लाइफ थी, या फिर कोई खेतों में काम कर रहा है तो उसकी कैसी लाइफ थी। तो इस तरीके के जो कॉमन लोग थे उनकी जीवनी के बारे में हमें उतना नहीं पता चलता है कि वो क्या चाहते थे, वो क्या करते थे, वो कैसे रहते थे। तो इसके लिए और भी दूसरे तरीके के सोर्सेस हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है इस तरीके की जानकारी जुटाने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जो थे वो डायरी लिखते थे, उनकी डायरीज से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता था, या फिर जो पिलग्रिम्स थे उनके अकाउंट्स की वो कहाँ गए, क्या किया उन्होंने, इस तरीके की चीज़ों से हमें पता चलता है। और इसके अलावा जो ट्रैवलर्स थे, ऑटोबायोग्राफीज थे, इन सभी चीज़ों से भी वहाँ के कॉमन लाइफ के बारे में, आम नागरिक के बारे में पता चलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर से हमें ये पता चलता है कि किस समय में इंडिया में कौन सा टॉपिक काफ़ी हाईलाइटेड था, कौन सा चीज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में डिबेटेड था। और इसके अलावा जो लीडर्स थे और जो रिफॉर्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लिखते थे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, या फिर जो पोएट्स थे, नॉवलिस्ट थे, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा करते थे। तो ये सभी जो रिकॉर्ड्स थे इनको भी यूज़ किया जाता है जब हम रिकॉर्ड को तैयार करते हैं, या फिर लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर सोर्सेज के रूप में इन चीजों को यूज करते हैं। तो देखिए, ये सभी जो सोर्सेज हैं ये आपको प्रोड्यूस किए गए हैं उन लोगों द्वारा जो कि लिटरेट थे। यहां पर फिर से वही बात आ जाती है कि लिटरेट। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे जो कि लिटरेट नहीं थे, वो अपनी जिंदगी चला रहे थे, जैसे कि आपका जो ट्राइबल्स हो गए, या फिर जो पेजेंट्स हो गए, जो वर्कर्स जो थे माइन में काम कर रहे हैं, या फिर स्ट्रीट पर रहने वाले पुअर जो थे, इनकी लाइफ के बारे में हमें इन चीजों से पता नहीं चलती है। और इसके अलावा इनके लाइफ को जानना, यानी जो ट्राइबल्स हैं, लाइफ ट्राइबल जो हैं उनके लाइफ को जानना, पेजेंट्स के लाइफ को जानना उस समय के, या फिर आपको जो भिखारी लोग हैं, इस तरीके के जो लोग हैं उस समय के, उनके लाइफ के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल टास्क है। और हो सकता है आगे इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।